सो गाइज, इस पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कोई एक अच्छा सा कॉफ़ी जॉइंट जहाँ हम कॉफ़ी पियेंगे। उसके अलावा होटल का हम लोग जाएंगे, तो हो सकता है हम बीच पे जाए तो मैं आपको बीच दिखाऊँ वहाँ का। और अभी फ़िलहाल हम लोग थाईलैंड पटाया के अंदर बिल्कुल हार्ट ऑफ द पटाया में है, और काफ़ी हम गलियों के अंदर डोल रहे हैं यहाँ पर, तो आपको भी दिखाता हूँ। तो काफ़ी मतलब यहाँ पर है ना तार वार ऐसे ही रहते हैं थोड़े से ही, मैंने पूरे पटाया में देखे। और होटल्स हैं पीछे की तरफ, बीच है और मसाज पार्लर्स ही हैं हर तरफ। तो ये है और सामने आपका बीच है, तो आप बीच पे जा सकते हो। और शॉपिंग के हिसाब से किसी को अगर जैसे कहते हैं ना कि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रांड्स के, अगर आपको वो चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। ऑल दो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं हमेशा ओरिजिनल चीज़ें खरीदता हूँ पहनता हूँ, तो मैं ये चीज़ें नहीं खरीद रहा हूँ। पर अगर किसी को शौक़ हो भाई मतलब नकली चीज़ें पहनने का, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अगर पर्स है तो गुची का आता है अराउंड 40,000 अराउंड का पर्स आता है गुची का, जो यहाँ पर सिर्फ 1,000 रुपये में मिल रहा है नकली। इंडिया में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, पर मैं आपको यहाँ की रेट बता रहा हूँ कि यहाँ इतने की रेट्स होती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी नकली प्रोडक्ट्स हैं, सुप्रीम, कैल्विन क्लाइन और अंडर आर्मर, हार्ली डेविडसन, तो लेकर्स, तो ये ब्रांड्स के नकली मतलब आपको काउंटरफिट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको, मर्सिडीज़ बेंज। बट आई डोंट प्रिफर टू यूज़ काउंटरफिट प्रोडक्ट्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल चीज़ होती है वही बेस्ट होती है, उसके साथ एक अलग ही वैल्यू अटैच्ड होती है। बट अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ आके ले सकते हैं। जैसे ये अंडर आर्मर की टी शर्ट्स आपको यहाँ मिल रही हैं, तो ऐसे मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग को सपोज मतलब कुछ बहुत से लोग होते हैं जो पहनते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो देखिए सारे ब्रांड्स मिल रहे हैं। गुची की कैप भी मिल रही है, वैसे तो इंडिया में ही मिल जाता है, हर जगह मिलता है, बट मैं वैसे दिखा रहा हूँ। तो ये पटाया के बीच के सामने कोई मार्केट है जिसमें लाइन से दुकानें हैं जहाँ पर आप आ सकते हैं और ऐसे आपको प्रोडक्ट्स मतलब टी शर्ट्स और पोलो टी शर्ट्स, पैंट्स, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स और सारे ब्रांड्स के कॉपी हैं, तो सारे कॉपी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे लाइन से अगर आप चाहते हैं ख़रीदना। तो जैसे यहाँ पर भी आप डुकाटी, तो ये बीच के सामने ही है जहाँ मैंने खाना खाया था, तो उससे थोड़ा सा ये दूर है। मतलब मेन जो बीच है यहाँ का हार्ड रॉक कैफ़े की जो लेन बोलते हैं इसको, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये पूरा एक मार्केट ही है लाइन से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल कॉपी का मार्केट है यहाँ पर, और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स हैं। मतलब इंडिया के हिसाब से तो मुझे रीज़नेबल लगी, क्योंकि इंडिया में कॉपी प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, तो आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। पूरा का पूरा मार्केट है ये। सो बहुत सारी दुकानें हैं, एक नहीं है। और हार्ड रॉक कैफ़े यहाँ पर है, उसके अलावा हूटर्स के पास, अगर आपको मैं और हिंट दूँ तो मतलब सॉरी हिंट क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं आपको अगर और थोड़ा समझाऊँ तो हूटर्स जो कि बहुत पॉपुलर चेन है, उसके पास है ऑडी, रेप्सोल, मर्सिडीज बेंज, तो काफ़ी सारे हैं। हाँ हाँ, लाइक दिस कोड, गुड गाय गोज़ टू हेवन, बैड गाय गोज़ टू पटाया। और कॉफ़ी से पहले हम लोग यहाँ मैंगो खा रहे हैं। हाउ मच इज वन मैंगो फॉर? या 40 baht, ओके दैट्स नाइस। तो यहाँ हम एक मैंगो खाने वाले हैं, उसके बाद कॉफ़ी पियेंगे। तो ये यहाँ का काफ़ी फेमस कॉफ़ी जॉइंट है, एल्बर्ट्रॉस कॉफ़ी रोस्टर्स। तो अब हम यहाँ कॉफ़ी पियेंगे बैठ के, यहाँ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी आपको कॉफ़ी मिलती है। सो गाइस, मैं कॉफ़ी यहाँ पी रहा हूँ और अंदर आती है ऐसी कॉफ़ी की फ्रेगरेंस है कि मज़ा आ गया। बाय द बीच आप कॉफ़ी पियो, और ये हाईली रिकमेंडेड है यहाँ पर। तो यहाँ मुझे आके बड़ा अच्छा लग रहा है, आप देखते हैं कॉफ़ी कैसी होगी, क्योंकि इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले हुए हैं थाईलैंड के अंदर कॉफ़ीज़ के रिगार्डिंग, तो मुझे लगता है अच्छी होगी।
और जो कॉफ़ी है वो तो अल्टीमेट है, मतलब दुबई की टक्कर की जिसको आप बोलते हो विद द व्यू, तो मज़ा आ रहा है। कॉफ़ी इज़ अमेजिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग। बीन्स में तो 10/10, नो मतलब इसका तो मुझे लगता नहीं है कि कोई कॉम्पिटिशन है इंडिया के अंदर। ऑसम कॉफ़ी। सो गाइस, अब होटल जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा बीच को एक बार एक्सप्लोर कर लें। तो ये यहाँ का बीच है, मेन बीचेस में से एक, और ये मेन एरिया है। या आप उसकी वहाँ की स्काईलाइन देख सकते हो पटाया की। और अब मैं बीच में थोड़ा एंजॉय करूँगा, फिर चलेंगे होटल की तरफ। तो थोड़ा मैं बीच को एंजॉय कर लूँ, कोई अगर राइड करेंगे तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो होटल में मिलते हैं हम।